देखिए जरा ये तस्वीरें, मोहतरमा क्या बला की खूबसूरत लग रही है। कटीली आंखें, चेहरे पर मासूमियत के साथ ये महिला खूबसूरती के चरम पर पहुंच चुकी है। अब हम आपको इस महिला की अलग तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी ये लेडीज खूबसूरती में जलवा बिखेर रही है, लेकिन पहली और इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। चेहरे की बनावट से लेकर बॉडी शेप, हर चीज बदल चुकी है। सेम है तो बस आंखें, जिससे ये महिला पहचान में आ रही है। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब हम आपको इस महिला के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे, उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस महिला का नाम हिलेरी ब्राउन है और ये अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती थी। इसके पति एक डॉक्टर है और 21 नवंबर 2023 के दिन सुबह करीब 8 बजे हिलेरी तेजी से अपने पति के क्लिनिक के अंदर आई और स्टाफ को बिना कुछ बताए ऑपरेशन थिएटर में चली गई। वहाँ कुछ देर बाद हिलेरी के पति यानी डॉक्टर बेंजामिन ब्राउन भी क्लिनिक के अंदर आकर सीधे ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अभी डॉक्टर ब्राउन को ऑपरेशन थिएटर में गए हुए महज 1 घंटा हुआ था कि अचानक क्लिनिक के गेट पर इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ी आकर रुकी। डॉक्टर भी हड़बड़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और कुछ ही देर में उनकी पत्नी हिलेरी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए वहां से शिफ्ट करा दिया गया। पूरे क्लिनिक में एक सन्नाटा पसर गया। कुछ देर बाद बताया गया कि डॉक्टर की पत्नी कोमा में चली गई है। अब हर तरफ एक सवाल घूमने लगा कि आखिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिससे डॉक्टर की पत्नी का ये हाल हो गया। लेकिन इस गुत्थी को सुलझने में ज़्यादा समय नहीं लगा और महज 1 हफ्ते के भीतर ही इस सवाल का जवाब उस वक्त मिल गया जब पुलिस के सामने डॉक्टर ब्राउन ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि 1 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई और इसके लिए उसका पति जिम्मेदार है। दरअसल इस डॉक्टर की पत्नी हिलेरी को प्लास्टिक सर्जरी कराने का शौक था। 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद उसे खूबसूरत बनने की चाह थी और इसके लिए वो बार बार प्लास्टिक सर्जरी कराती थी। 21 नवंबर 2023 को भी हिलेरी की एक प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, जिसके लिए वो अपने पति के क्लिनिक पहुंची। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बना हुआ है, जब हिलेरी पहले भी कई बार सर्जरी करा चुकी है तो फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो कोमा में पहुंच गई और फिर उसकी मौत हो गई। डॉक्टर की पत्नी को उस दिन अपने पेट के निशान हटवाने थे, हाथ लिपोसक्शन, होंठ इंजेक्शन और ईयर एडजस्टमेंट जैसी कुछ सर्जरी करानी थी। क्लिनिक पहुंचकर ऑपरेशन थिएटर में उसने अपने लिए नर्स का सारा काम खुद ही करना शुरू कर दिया। उसने अपने आप ही आईवी बैग तैयार किया। उसके पास विलियम सहित कई रंग बिरंगी गोलियां भी थी। सर्जरी से पहले डॉक्टर की पत्नी ने खुद एनेस्थीसिया तैयार किया। हालांकि एनेस्थीसिया में उसने कितनी और कौन सी डोज ली, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इसके बाद जब क्लिनिक में उसका डॉक्टर पति पहुंचा तो उसने पत्नी से बिना पूछे एनेस्थीसिया की एक और डोज दे दी। अपनी पत्नी के हाथ पर जैसे ही डॉक्टर ने लिपोसक्शन शुरू किया तो हिलेरी बेचैन हो गई और उसके पैर तेजी से हिलने लगे। हिलेरी ने अपने पति को बताया कि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है और हर तरफ ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। अपनी पत्नी की इस बात को डॉक्टर ने नॉर्मल समझा और लिडोकेन का इंजेक्शन देता रहा। उसकी पत्नी की हालत बिगड़ते देख पास ही खड़ी नर्स ने पूछा कि क्या मेडिकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दूँ। इस पर डॉक्टर ने कुछ देर रुकने के लिए बोला। डॉक्टर की पत्नी हिलेरी की हालत इतनी बिगड़ गई कि नर्स को भी देखकर घबराहट होने लगी, लेकिन डॉक्टर के सामने वो चुप रही। अचानक फिर डॉक्टर ने अपने स्टाफ को अंदर बुलाया और चिल्लाकर पूछा कि उसकी पत्नी ने आखिर कौन सी दवाई ली है। स्टाफ चुप रहा क्योंकि हिलेरी ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी को नहीं आने दिया था, जिसके चलते स्टाफ को कुछ नहीं पता था कि हिलेरी ने कौन सी दवाई ली है। तभी डॉक्टर की पत्नी को दिल का दौरा पड़ना शुरू हो गया, जिसके बाद डॉक्टर ने CPR देना शुरू किया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिसके चलते डॉक्टर ब्राउन ने 911 नंबर पर कॉल कर दिया, जिसके बाद पत्नी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, लेकिन वहाँ कोमा में रहने के बाद हिलेरी की 1 हफ्ते बाद मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की पत्नी की मौत लिडोकेन की ओवरडोज की वजह से हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि डॉक्टर ब्राउन की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई है। इसके बाद डॉक्टर ब्राउन से जब पूछताछ की गई तो उसने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जिसके चलते उसने पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए सारी बात बताई। वहीं फ्लोरिडा स्वास्थ्य विभाग ने भी डॉक्टर ब्राउन के मेडिकल लाइसेंस पर इमरजेंसी बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।